गुड मौसम के इवनिंग हिसाब भाई, से कैसा है? एकदम बढ़िया। क्या बात है, क्या लुक ले रखा है, शानदार। अरे कुछ नहीं यार, नॉर्मल है। थोड़ा फ्रेश दिखना चाहिए ना। बिल्कुल 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 दिखना चाहिए। बाहर अच्छा, बहुत ट्रैफिक है लगता है राजस्थान में, लॉकडाउन नहीं है क्या? जाके देखो लग नहीं रहा है लॉकडाउन है वास्तव में। अच्छा, मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ लॉकडाउन वहां पे? मतलब वैसे तो खत्म कर रखा है बट नॉर्मल कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। लोगों का डर खत्म हो गया है, मेन चक्कर वो है। एक्चुअल में ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस अनिकेत चौधरी। अनिकेत चौधरी राजस्थान के कैप्टन हो चुके हैं, राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, इंडिया ए खेले हैं, आईपीएल के लिए किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंज बैंगलोर के लिए खेल चुके हैं अंडर विराट कोहली, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मुझे बताओ कि हम क्रिकेट खेलते हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। जैसे बिल्कुल मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है और एक बार ऐसा लगा कि भाई छूट गया, पढ़ाई पढ़ाई से एक फोकस निकल गया, सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान था। आपने इतना टाइम कैसे निकाला? उस टाइम क्या है, एक्चुअली मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहा था तो थोड़ा उसका हेल्प जरूर मिल गया, बट ऐसे प्रैक्टिस और वो तो रहती थी। पर उस आजकल क्या करें, हम नेटवर्क इश्यूज भी इतने ज्यादा रहने लग गए लॉकडाउन के चक्कर में। ठीक है, कश्मीर से तो बेटर ही है। अब ठीक है, अब आई गेस। अब मैं जैसे बता रहा था अभी कि उस टाइम जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो क्या है, जैसे जब 10th पास करी, जब आप ग्रेजुएशन मतलब वो अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो, कॉमर्स जाना है या साइंस, तो मेरी फैमिली में सब साइंस बैकग्राउंड से और सब इंजीनियर। तो मेरे अच्छा, को तो पापा बोले कि नहीं इंजीनियर मतलब, और उस टाइम आप जो भी था कि इंजीनियरिंग ऐसे कि आपको एक स्कोप तो है, क्रिकेट इतना वो नहीं था। तो तब से साइंस ली, फिर साइंस मतलब 12th करी, मैंने कहा पापा मैं तो क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग होगी नहीं। तो पापा बोले कि कोई बात नहीं, आप पढ़ाई तो करो, पढ़ाई बहुत जरूरी चीज होती है, आप खेलते रहो, खेलने में कोई मना नहीं कर रहा आपको, पर पढ़ाई के लिए इतना टाइम निकाल सकता है आदमी धीरे धीरे। फिर और वो ऐसा मान लो कि मैं प्रोफेशनल नहीं खेल रहा था तो मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता था, बट स्टिल मेहनत करी और करके कोप अप करके जैसे भी, बट बहुत मेहनत जरूर करी। जब एग्जाम होते थे 18 18 घंटे भी पढ़ाऊं, क्योंकि इंजीनियरिंग इजी नहीं होती। तो मेरे साथ जब मुझे लगा कि यार जब मैं इतना पढ़ सकता हूँ तो खेलना जब मेरा पैशन है जो, तो मेरे को उतना उसमें टाइम और ज्यादा डिवोट करना चाहिए। तो मैंने बस उससे उससे भी बहुत चीजें सीखी कि जब आप अपने आप को फोकस रखते हो कि अब मुझे करना है तो करना ही है। तो मेरी जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म हुई उसी साल मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। अच्छा, हाँ ये तो बहुत अच्छा है। सेम सेम वो स्टोरी मेरा भी, ग्रेजुएशन जैसे मेरा खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट ईयर रणजी हाँ ट्रॉफी खेला था, पर हाँ ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग में बहुत फर्क बहुत होता बहुत बहुत, नहीं तो दिक्कत हो जाती। है। ओके, तो मुझे बताओ आप प्रोफेशनल क्रिकेट कौन से स्टार्ट किया था आपने? प्रोफेशनल मैं खेला 2011 में, और जो कि जब मेरा डेब्यू हुआ ईरानी ट्रॉफी में, डायरेक्ट डायरेक्ट ईरानी ट्रॉफी, मतलब जो ईरानी ट्रॉफी। 10-11 ईयर चैंपियन हुए थे वही साल फर्स्ट चैंपियन फर्स्ट टाइम तो हमारी टीम चैंपियन बनी उस साल तो रहा, मैंने। हाँ शायद वो 10-11 के टाइम हुई थी, 10-11, राइट, 10 11 और 11 12 इलेवन ट्वेल्व दोनों साल हुए थे। अब हम खेले थे 11-12 में, हम दोनों एक साथ खेले थे, आपने मुझे आउट निकाला था आफ्टर 15, बोल्ड तो बोल्ड बहुत बोल्ड ब्रिलियंट बॉल वीडियो, डाला वो था। वीडियो है मेरे पास अभी भी। ओके, तो वे वीडियो बनाऊंगा तभी, वो वीडियो देना, मेरा पे डाल देता हूँ, जो बोल निकाला पब्लिक को मालूम ही पड़े कैसा बोलता हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस साल 9 10 में जब हम चैंपियन बने थे ना फर्स्ट टाइम 10 11 में, तब मैं नेट बॉलर था राजस्थान की उसमें रणजी ट्रॉफी टीम में, एज ए नेट अच्छा, बॉलर में जाया करता था। फिर जब 11 12 में मतलब जब मैं खेला तो अगले साल साइड गेम्स में मेरे को केसी और उसमें नंबर दिया सबने कि यार तू बहुत लास्ट से तू नेट बॉलर था, जैसे आकाश चोपड़ा मिले अगले साल नेट में और ऋषिकेश कनेटकर मिले, तो उन्होंने बोला यार तू वही लड़का है ना जो लास्ट ईयर नेट्स में बॉल डालता था। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला फिर जो जैसे भी यहाँ की जर्नी रही कि मेरे को साइड गेम्स में मौका मिला, सबने हेल्प करी, नहीं यार ये लड़का अच्छा कर रहा है इसको मौका देना चाहिए। तो ये अपने जो केसी टूर्नामेंट होता है बेंगलोर में, मैं वहां गया, वहां के बाद मैं बुच्ची बाबू गया, तो उन दोनों में मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। तो फिर ऋषि भी आया और इन्होंने कहा कि ये लड़का अच्छा चल रहा है और हम चैंपियन थे। तो फिर उस टाइम क्या होता था, पहला सीजन मैच ही ईरानी ट्रॉफी होता था। अब उल्टा हो हाँ गया कि
अब तो जो आप हैंड टू हैंड कराते हैं, उस टाइम का सीजन का पहला मैच ही रहा, तो हम लास्ट ईयर चैंपियन बने हुए थे, तो उन्होंने बोला वो, और हमारे जो मेन बॉलर थे पंकज भैया वो उस टाइम इंजर्ड चल रहे थे, तो ऋषि भैया ने मतलब उनका काफी सपोर्ट रहा कि ये कि डायरेक्ट आप इसको खिला दो। तो एक सवाल सबके मन में ऐसे भी था कि यार जो कुछ भी नहीं खेला हुआ डायरेक्ट इतना बड़ा मैच खेलना, अब तो उन्होंने कहा ठीक है, सबका मैनेजमेंट का जिनका भी डिसीजन था उन्होंने कहा इसको खिलाओ, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही थी, मैं वहां खेला और लकीली उसमें भी मैंने 4 विकेट लिया अपने। राजस्थान की तरफ हम हारे ऑल्दो, बट राजस्थान की तरफ से मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट थी कि मैंने पहले मैच में 4 विकेट लिए ईरानी ट्रॉफी में, तो वहां से अच्छी बात। तो आपके करियर में ग्रेग चैपल का कितना इंपॉर्टेंस है? ग्रेग चैपल सर 2008 में यहाँ राजस्थान एकेडमी है हमारे, जैसे अपने एनसी है इंडिया की, ऐसे राजस्थान में राजस्थान क्रिकेट एकेडमी है, तो उसके वो डायरेक्टर बने। हाँ। तो उन्होंने क्या है ट्रायल रखी राजस्थान में, 6 फुट से जो भी ऊपर है वो फास्ट बॉलर्स आ जाओ, मतलब उनकी ट्रायल लूंगा मैं रेंडम, मतलब कोई भी आ सकता है। हाँ। तो मैं वहां गया, उस टाइम मेरा इंजीनियरिंग के एग्जाम चल रहे थे, तो पर मैंने कहा ट्रायल तो मैं उसके, वो सर्दियों में होते तो सेमेस्टर होते हैं, तो मेरा फर्स्ट ईयर ही था 2000 में, तो मैंने वहां पे ट्रायल देने गया, तो ग्रेग चैपल सर को लगा यार ये लड़का दम है, इसलिए थोड़ी और अपने शरीर पे मेहनत करेगा, क्योंकि मैं लंबा तो हो गया था बहुत, 3-4 इंच का हो, तो क्या उसके लिए उस इतनी हाइट में आपको मेंटेन रखने के लिए फिटनेस भी जरूरी है, तो उतनी अपन को आइडिया नहीं था कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट रहती है बचपन में। तो उन्होंने कहा कि नहीं इस लड़के को सिलेक्ट करो, ये आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। तो वहां से क्या उन्होंने जैसे ये बात बोली ना, तो इतनी छोटी छोटी बातें होती है बट आपके दिमाग में ऐसे कर देते कि इतना बड़ा प्लेयर ग्रेग चैपल बोल रहे हैं कि इस लड़के में प्रोस्पेक्ट है, तो क्या मैं क्रिकेट को और सीरियस लेने लग गया, नहीं यार मुझे वास्तव में कुछ करना ही है। तो बस धीरे धीरे बस ऐसे जर्नी रही कि उनकी छोटी सी बात पर मेरे लिए बहुत इम्पैक्ट रही कि नहीं ये तो कुछ करेगा, मतलब मुझे करना चाहिए, इतना बड़ा आदमी ऐसे बोल रहा है तो। राइट, अभी आपका हाइट कितना है? मेरा है 6'4". मैं 12th क्लास में था तभी इतना लंबा हो गया था, मैं क्या इनिशियली बास्केटबॉल भी खेला करता था। अच्छा, तो बास्केटबॉल में भी स्कूल में क्लस्टर और ये अपने अच्छा खेला काफी, तो मेरे ख्याल से फर्क वो पड़ सकता है कि उससे भी मेरी हाइट और ज्यादा इम्प्रूव होगी। या डेफिनेटली। ओ आपका निकनेम खली भी रखा था किसी ने? वो ग्रेग चैपल सर ही बोलते थे क्या, उस टाइम मेरे बाल लंबे थे और वो खली उस टाइम भयंकर हिट हुआ था WWE में, तो मैं भी वैसे लंबे बाल रखता था थोड़े से बचपन में, सब कॉलेज टाइम में अपने बाल के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ग्रेट। तो आप मुझे बताइए कि NCA में जब हम पहली बार मिले थे वहां के मेमोरी शेयर किए, मतलब हम दोनों के, आप जो भी कहेंगे चलेगा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों बहुत घूमे यहाँ वहां। वो तो मेमोरीज, वो अपना कैंप ही एक्चुअली बहुत अच्छा था है ना, सारे अपने बैच के लड़के उस टाइम, तो जसप्रीत बुमराह भी नया नया आया था है ना, जस्सी भी तो था उस टाइम, जस्सी भी था तो, और अपने वो मेमोरीज, तो मैसूर का एक महीने का कैंप, सुबह जल्दी उठ के जाना और पूरे दिन वहां रहना, मेरे ख्याल से मेरा फर्स्ट कैंप था NCA का। आप लोग तो बहुत कर चुके थे उस टाइम ऑलरेडी, खेल रहे थे वही सीजन, उतना पहला सीजन था शायद वो जो खेला था, वो परफॉर्मेंस के बाद NCA सिलेक्ट हुए थे आप शायद। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो मेरा ऐसा सीजन था कि जिसमें मैं राजस्थान के लिए सारे मैच खेला, उससे पहले तो जैसे जब मेरी एंट्री थी ऑब्वियसली आप फोर्थ बॉलर रहते हो, पहले नंबर पे पंकज भैया थे, फिर दीपक अच्छा कर रहा था, फिर थर्ड बॉलर सुमित माथुर थे हमारे अभी, फिर चौथे नंबर पे मेरी एंट्री हो रखी थी, फिर ऋतुराज भी था, तो मैं उस टाइम फोर्थ नंबर का बॉलर था, तो फोर्थ नंबर के बॉलर आपको पता है जब कोई इंजर्ड होगा या होगा तो मौका मिलता था, वो सीजन मेरा पूरा मैच खेला मैं 8-8 खेला, अच्छी परफॉर्मेंस रही, तब मेरे को NCA में मौका मिला, मैं पहली बार NCA गया, फिर आप लोगों सबसे मिला और तब से मेरे ख्याल से अपन रेगुलर टच में है। हाँ, और वो कैंप बहुत अच्छा था क्योंकि नॉर्मली बैंगलोर में होता है NCA कैंप, और वो हमारा मैसूर में था, और हम सुबह से शाम तक ग्राउंड में रहते थे पूरे थके, ऐसा लगता था यार कोई सोने दे दो, सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था, इतने थकते थे, आधा घंटा भी इतना मिलता था, और आधे घंटे में आधे लोग तो वो राहुल तेवतिया और लोग तो कान चबा देते तो सोने को भी नहीं मिलता था। राहुल तेवतिया और अंकित बाबले वो दोनों जोड़ी खास, वो बाद में क्या क्या एक एक डायलॉग मारते,
उस टाइम भी अपने और कैसे करते थे, लंच खत्म होते कि आप लगा चलो आधे घंटे रह देंगे, नहीं अब रनिंग सेशन, अब छोड़ दो यार इतनी मेहनत मत कराओ। ओके तो भी राजस्थान, राजस्थान का जो कल्चर है मैंने देखा है कि राजस्थान से बहुत सारे फास्ट बॉल अच्छे अच्छे निकल रहे, इंडिया इंडिया ये खेल रहे, तो उसका रीजन क्या है? मेरे ख्याल से हमारे यहाँ कंपटीशन का इतना ज्यादा हो गया है, मुझे जो ऐसा फील हुआ कि ऑलरेडी जैसे सब पंकज भैया खेल रहे थे, फिर दीपक खेला, फिर ऋतुराज खेला, फिर मैं खेला, फिर नाथू आ गया, फिर खलील आ गया, अब नागरकुटी आ गया, अब एक लड़का और आया नया लेफ्ट आर्म आकाश सिंह, तो हम 8 बॉलर तो ऐसे ही हो गए। तो क्या अब वो होता ना कि बेस्ट में आपको खेलना है सबको, तो फिर आपको अपनी मेहनत और पता है कि अब इसको बीट करना है, ये ऊपर लेवल पे खेल रहा है जैसे भी खेल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपका ग्राफ ऑलरेडी ऊपर हो जाता है। जैसा हमारे उसी टाइम जब हम चैंपियन बने तो उस टाइम भी ऐसे ही था, जब ऋषिकेश भैया थे, आकाश भैया और रश्मि रंजन परिदा भैया, तीन जने ऐसे बैट्समैन आ गए, उन तीनों की फर्स्ट क्लास में 50 से ऊपर की एवरेज, तो फिर हमारे जो बैट्समैन उस टाइम 500-600 रन बनाते थे ना, वो भी 1000-1000 रन बनाने लग गए। रॉबिन बिस्ट हो गए, विनीत भैया हो गए, अशोक मिनारिया, अशोक मिनारिया ने तो फिर 3-3 सेंचुरी मार के मतलब रिकॉर्ड ही बना दिया। तो वो होता है ना कि ग्राफ आपका अच्छे प्लेयरों के साथ खेलते रहो तो ऑटोमेटिक ग्राफ बहुत ऊपर हो जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सारे बॉलर ऐसे एक से एक है, सबको पता है कि बस कोई की कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं तो खेलूंगा ही खेलूंगा, किसी के लिए भी नहीं है बल्ले, आप वो सब ऊपर भी खेल रहे नीचे, तो मेरे ख्याल से आपको मेहनत और करते रहोगे तो आप लेवल मेरे ख्याल से सारा और बढ़ जाता है। बाकी मैंने पढ़ा था कि बोलते ऐसे कोई कि राजस्थान में क्या है, राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो राजस्थान में क्या वो थकते नहीं है बॉलर्स, उनको आदत होती है उस गर्मी में, आदत है। मैंने कहा पर ऐसा कुछ नहीं है, हम जाते हैं जब ह्यूमिड, बॉम्बे भी इवन बॉम्बे की गर्मी राजस्थान से कम पड़ती है, पर ह्यूमिड इतना होता है ना, वो ह्यूमिड सारा डिहाइड्रेट कर देता है तो थकान बराबर होती है। हाँ सब सब सेट का अलग अलग कंडीशंस रहता है, मतलब आप अगर दूसरे दूसरे ग्राउंड में जाओ फिर भी पिच भी अलग रहते हैं, क्योंकि इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसमें सब टाइप के पिचेस है, जैसे मुंबई में बाउंस होता है, नॉर्थ में स्लो और लो रहता है, कोई कोई जगह पे लो और स्किड होता है, जैसे साउथ में चेन्नई में स्पिनिंग ट्रैक रहता है, तो पूरे अलग अलग टाइप के पिचेस मिलते हैं, कोई भी कभी भी सेट नहीं। जैसे इंडिया भी जब खेलती है बाहर अपना इंटरनेशनल मैचेस तभी भी वो लोग स्ट्रगल करते हैं, मुंबई में तो हमेशा 90% तो हारती इंडिया, बिल्कुल बाउंस एक्स्ट्रा है, तो फास्ट बॉलर्स को थोड़ा फायदा मिल जाता है जिस दिन जब अच्छा, स्पिनर्स को भी जब टर्न एंड बाउंस मिलता है तो विकेट मिलता है, वहां पे इंडिया स्ट्रगल करती है, तो एक एक बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि कोई भी प्लेयर खेलता है उसको एक कंडीशन में उधर समझ के परफॉर्मेंस करना बहुत बड़ी बात रहती है, तो आपको क्या लगता है? बहुत नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपको क्या है, और ये तो कंडीशन तो है ही, उसके साथ साथ आपकी फिजिकल, जैसे रणजी ट्रॉफी खेलते हैं अपन 2 महीने में 8 मैच खेलने होते हैं, तो मेरे को लगता है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है आपका, क्योंकि आप जैसे अभी हम इस साल की बात ही बता रहा हूँ, सर्दी में हम खेल रहे हैं यहाँ पे जयपुर में, टेम्परेचर बढ़ रहा है 5 डिग्री 8 डिग्री, और नेक्स्ट मैच हमारा सीधा केरला, केरला में त्रिवेंद्रम में बिल्कुल ह्यूमिड, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने 5 ओवर का स्पेल डाला था तो कैप्टन बोला ठीक है तुम, मेरे ना गर्मी सी निकल रही है ऐसा फील हो रहा, क्योंकि आप 1.5 महीने 2 महीने से यहाँ खेल रहे हो ठंड में, और एक सीधा वहां जाके आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो बहुत फर्क पड़ जाता है, तो वो चीजें सब ध्यान रखना, पहले 3 दिन से आपको अपना हाइड्रेशन तैयार रखना कि मेरे को पानी ज्यादा पीना है क्योंकि मैं ऐसे गर्मी में जा रहा हूँ, और ये चीजें तो आप ऐसा अगर आप प्रोफेशनल खेल रहे हो तो क्या ये एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुनता कि गर्मी ज्यादा है या ये, आप प्रोफेशनल हो तो आपका काम है कि आप परफॉर्म करो, तो ये चीजें फिर आपको खुद से तैयारी, मेरे ख्याल से जैसे आदमी कोई पढ़ाई भी करता है तो उसको पता है अब मेरा एग्जाम ये आने वाला है, तो कोर्स में से कुछ भी आ सकता है, सब चीज की तैयारी होनी चाहिए, तो बस उसी तरह यहाँ भी तैयारी रखनी जरूरी है, तो अपने माइंड को वैसे प्रिपेयर करो पहले से, ये मत सोचो कि यार यहाँ गर्मी ज्यादा है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये नहीं, कभी भी आप अपने आप को फोकस रखो, नहीं मेरे को तो ऐसे करना है तो करना ही है। राइट राइट, तो मुझे बताइए कि राजस्थान में जब ऋषिकेश कानिटकर, आकाश चोपड़ा और परिदा भाई खेल रहे थे, तीनों खेल रहे थे एज ए प्रोफेशनल, और ऋषिकेश कानिटकर कैप्टन थे, तो वो 2 साल आप जीते थे, तो क्या डिफरेंस था तभी के टीम में और अभी के टीम में, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? मुझे उस टाइम ऐसा लगता है कि जब आपकी टीम में इतना, एक तो वो लीड बहुत अच्छा करते थे कि कैप्टनशिप का बहुत फर्क पड़ता है कि एक छोटे छोटे डिसीजन होता है तो वही आपको, मतलब डेज क्रिकेट में तो यही होता है
T20 में तो फिर भी मुझे लगता है बहुत फास्ट क्रिकेट होता है ना, चलो किसी का भी ओवर पिट गया या कुछ हो गया तो फास्ट होता था। डेज क्रिकेट में आपकी कैप्टनशिप मुझे लगता है ज्यादा वो पड़ जाती थी, यार अब इस बॉलर की बैट्समैन सेट होता जा रहा है, अब किस बॉलर को लगाएं, क्या फील्ड सेट करें। और तो उस टाइम मेरे को लगता है जो मैं, और ये तो मैं बहुत लकी मानता हूँ कि सीधा ही डायरेक्ट ऋषि विहार के अंडर में खेला, तो क्या आदमी का वैसे ही मोरल बूस्ट बहुत अच्छा रहता, आप चीजें बहुत जल्दी जल्दी सीखने लगते हो इतने बड़े प्लेयर के साथ। और दूसरी बात ये रही कि मुझे जो लगा कि राजस्थान की बॉलिंग है ना हमेशा से अच्छी रही, पहले भी, पर जब ये तीनों बैट्समैन आ गए तो हमारे जो डोमेस्टिक बैट्समैन थे खुद के राजस्थान के लोकल, जैसे अशोक था, मिनारिया या रॉबिन भैया, विनीत भैया और ये पुनीत यादव, चार पांच हमारे उस टाइम प्लेयर थे, तो ये लोगों ने भी अपना बार बढ़ा लिया कि हमें भी इनको देखना है और इतने रन बनाने। तो जब आपकी बॉलिंग अच्छी थी ऑलरेडी और बैटिंग आपकी इतनी तगड़ी हो जाएगी, उस साल हमने हर मैच में 600 रन बनाए। हाँ, सिर्फ मुंबई के सामने 460 कुछ तो किया था, कि तभी उस तो पावर बॉलिंग को आया था और फटाफट दो ओवर में दो विकेट निकल के बॉलिंग करके बंद करके डबल खुल के अपनी वापस बॉलिंग को आ गए, वापस आ गया वो साल। वो तो मैं उस टाइम, वो साल ना मैं वो जब अपने केएल सैनी स्टेडियम में खेलते, उस मैच की बात है कि नहीं, जहाँ ग्राउंड का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जहाँ पे तूने मुझे आउट किया था, केएल सैनी उसमें जो हमने 478 रन बनाए और हमने कितने खाए, तुमने बहुत खाए थे तभी, मेरे 500 हाईएस्ट बॉलिंग है उसमें 44 ओवर्स, तो शायद तेरा तीसरा मैच रहेगा वो रणजी ट्रॉफी का। हाँ, ईरन का सीजन का सेकंड मैच था, अगर तू ईरानी ट्रॉफी सेकंड मैच था और मेरा शायद फोर्थ मैच था, और पब्लिक बहुत सारे आए थे, पब्लिक भी बहुत आई थी बॉम्बे से, हम लोग बहुत मुंबई लोग को चबा रहे थे, सब प्लेयर्स बाउंड्री पे गए चालू कुछ राजस्थान स्टाइल में, वो तो राजस्थानी फिर क्राउड थोड़ा हमारा बिल्कुल वैसा हो जाता है, वो तो राजस्थानी क्राउड हमारा ऐसा है कि हम भी विकेट ले ना तो हम अभी मैच खेलते हैं, अरे चौधरी कितनी देर होगी भाई, विकेट तो निकालो अब हम जा रहे, नहीं तो थक गए। बहुत हंसने आ रहा था, फनी वे में बोल रहे थे कि राजस्थान में कभी खेला नहीं था, मैं पहली बार खेला था वो टाइम में। अच्छा ओके, आप अभी पंकज सिंह जो आपके मुझे पता है एकदम आप क्लोज हो एकदम, तो पंकज के बारे में बताओ जरा। पंकज भैया तो मेरे ख्याल से हमारे ये राजस्थान में बॉलिंग का जितना भी इम्प्रूवमेंट आया तो मेरे ख्याल से उन्होंने काफी उस चीज को मदद करी, मतलब एक जैसे होता है ना, जैसे मैं खुद उनका एक तरह से मानो तो आप कंपेटिटर था, पर उन्होंने हमेशा एक ग्रूमिंग के लिए कि नहीं तेरे को ये करना चाहिए, अब बॉलिंग में ये सीखना चाहिए, तो हर बार सिखाया। और मेरे ख्याल से सब बड़े प्लेयरों की या सबकी यही क्वालिटी होती है कि आपने तो जो करा तो करा, पर आपके पास जो है वो आप दूसरों को ट्रांसफर करोगे तो मेरे ख्याल से और ज्यादा एज अ टीम होती। तो हमारे बॉलिंग का मेरे ख्याल से ये बहुत फर्क रहा पंकज भैया का, और विकेट में फिर दूसरी बात ये थी कि हम पे कभी प्रेशर इतना नहीं रहता, हम तो पंकज भैया के इनिशियली जब आप एंट्री करते हो किसी भी प्रोफेशनल में तो आपका काम एज अ सपोर्ट की मेन बॉलर वो है और आप सपोर्ट कर करके कि आपको अभी रन नहीं देने या जो भी जॉब था, तो उस चीज से हमें बहुत मतलब एक होता ना कि डायरेक्टली कि भाई तू मेन बॉलर बन गया तेरे को विकेट लेके देने, तो वो प्रेशर भी नहीं था। तो धीरे धीरे आप 5-7 मैच खेलते तो आपके ऊपर से भी प्रेशर ईज आउट होने लगे, हाँ चलो ठीक है अब आप कर सकते हो। तो पंकज भैया का मतलब इतना बड़ा ऐसा रोल था कि मेन पंकज तो सब पंकज सिंह को खेलने के लिए उसे रखते थे, तो साइड में हमें भी विकेट ज्यादा मिल जाते थे कि पंकज सिंह को रोकना है, इन पे थोड़ा अटैक कर सकते हो, तो उस फायदे में हम भी विकेट खूब लिए। और उन्होंने ग्रूमिंग बहुत अच्छी करी सब बॉलर्स की स्पेशली, तो इसलिए बहुत सारे फास्ट बॉलर्स अभी डेवलप हो चुके हैं और सब लोग इंडिया के डोर के लिए उधर नॉक कर रहे हैं, डोर के लिए बहुत सारे बॉलर खेले, बल्कि इनफैक्ट हमारे तो दो बॉलर, इनफैक्ट तीन बॉलर खेले, बहुत बड़ी बात थी, राहुल, दीपक और खलील एक साथ तीन बॉलर इंडिया खेलना राजस्थान से, जो उससे पहले सिर्फ दो प्लेयर ही खेले थे पंकज भैया और गगन भैया, उसके बाद तो बहुत मतलब इससे लगता है कि राजस्थान में भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और सारे प्लेयर अच्छे। राइट राइट, आपका आईपीएल का स्टोरी बताओ, जो आपने नेट बॉलिंग किया था विराट कोहली को, वो जरा स्टोरी सबको सुनाओ जरा। आईपीएल में जिस साल मैं 2 करोड़ में बिका था, तो उस साल हमारा उस टाइम मैं क्या इंडिया टीम का नेट बॉलर था, मतलब एक तरह से उसके बाद तो उस टाइम तो मुझे ऑलमोस्ट ऐसे कैंप में ही इंक्लूड कर लिया था, 20 जनों का हमारा कैंप था, तो मेरे को क्या लेफ्ट एंगल के लिए उन्होंने बुला रखा था। तो उसी दिन वो पुणे में था, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज थी इंडिया की पुणे में, पहला टेस्ट मैच पुणे में था, तो मैं उस टाइम विराट भैया को बॉलिंग कर रहा था जब हमारा ऑप्शन चल रहा था,
मैंने अब मेरे को क्या, और नॉर्मल सी बात है, आपको ऑप्शन कर रहा है, आपको पता है कि ऑप्शन है, आपका आज फैसला होना है, तो नर्वस से रहते हो, तो मैं बॉल डालते डालते के दिमाग में से था, तो हमारे जो टीम के मैनेजर थे उन्होंने बोला, और पुणे का स्टेडियम आपने देखा ही कि स्टेडियम इतनी दूर और नेट वहां से होते हैं, तो मेरा वो फिर वहां से नीचे उतर के वो आए मैनेजर की, यानी कि तेरा हो गया। मैंने कहा किसमें, कहता आरसी में, मैंने कहा अरे वाह, तो बहुत खुशी हुई कि विराट भैया और इनके साथ एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और ये लोग थे, मैंने कहा यार सीधा इन्हीं के साथ खेलेंगे, और दूसरी बात इनके कम से कम विराट भैया और एबी डिविलियर्स के अगेंस्ट बॉल नहीं डालनी पड़ेगी सबसे डिस्ट्रक्टिव तो मैंने तो विराट भैया को बोली भी दिया, मैंने कहा भैया बच गया मैं तो, नहीं तो आप अगेंस्ट डालते तो क्या पता पहले मैच भी आप लूट पड़ते। तो फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला अनिके तेरा आरसीबी में सिलेक्शन हो गया, तो उस टाइम मेरी बेस प्राइस 10 लाख थी, तो मैंने कहा, तो उन्होंने बोला तेरा हो गया, ऐसे करा उन्होंने इशारा, तो मुझे लगा 20 लाख ऑब्वियसली ये आदमी तो होता है कि चलो ठीक है, तो मैंने कहा 20 लाख, तो बोले 20 लाख नहीं 2 करोड़, और मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, तो वो एक तरह से एक बहुत हैप्पी मोमेंट था लाइफ का, इतनी बड़ी अचीवमेंट की। और मेन चीज तो मुझे पैसों से ज्यादा जो चीज लगती है कि एक आपकी वैल्यू होती है कि आपकी इंडियन क्रिकेट में या आईपीएल में है ना, वैल्यू करिए कि हाँ ठीक है आप इस वैल्यू के प्लेयर हो और टीम को आपकी जरूरत है, तो वो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी। और मतलब पैसा ठीक है इम्पोर्टेंट रहता है सबके लिए, बट मुझे जो चीज लगा कि वो चीज की एक वैल्यू होती है कि हाँ आपकी वैल्यू है इस प्लेयर की और वो करते हो, तो वो मुझे ज्यादा वैसे लगा था। ग्रेट ग्रेट, तो मुझे बताए आपका डेब्यू विकेट फिर से बोलता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये सबको बताओ कि पहला ओवर था और नो अनिकेत चौधरी ने नो बॉल डाला और नो बॉल में डेविड वॉर्नर ने 6 मारा, तो वो टाइम में आपको आपके दिमाग में क्या था? जब मैं जैसे एंटर करा तो मुझे जैसे बोला कि आज तू खेल रहा है, तो पहले आदमी थोड़ा कि अब डायरेक्ट इतने बड़े क्राउड में और ऐसे, तो मैं थोड़ा सा नर्वस था, उससे पहले मैं बहुत अच्छी बॉल डालता हुआ जा रहा था तो कॉन्फिडेंट था, पर एक डायरेक्ट इतने मतलब कभी खेला नहीं तो डेफिनेटली थोड़ा सा नर्वस रहती थी। हाँ। पहला ओवर डाला टाइम, और आरसीबी का क्या वो पहला मैच है आईपीएल का उस सीजन का, तो टाइमल मिल्स ने पहला ओवर डाला और वो खेल के ऐसा, फिर आप मेरी बॉलिंग आई, उस टाइम हमारे विराट भैया इंजर्ड थे, वो 4 मैच बाद आए थे, 4 या 5 मैच बाद। अच्छा। तो शेन वॉटसन हमारे कैप्टन थे, तो उन्होंने शेन वॉटसन बोला कि अनिकेत कम योर बॉलिंग, फिर मैं गया, तो मैं क्या मुझे कभी ऐसे नर्वसनेस फील नहीं हुई कि मैं ना मतलब थोड़ा स्वेटिंग होने लगी, अपना आप हाथ थोड़े गीले होते ना कि वो बोलता है अभी नर्वस है, डेब्यू मैच में होता है सबका होना, तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं फिर करते हैं अपन अच्छा करेंगे, तो शिखर भैया पहली बॉल खेली और मेरे को बस ये कॉन्फिडेंस था कि है ना मैं लेफ्टी को अच्छी बॉल डालता हूँ तो मेरी लेफ्टी को जो बाहर निकलेगी बॉल वो अच्छी हो जाएगी, पर वो विकेट इतना फ्लैट हैदराबाद का मैं क्या बताऊँ, तो मैंने पहली बॉल शिखर भैया को डाली, शिखर भैया ने डिफेंस करा, एक रन ले लिया, मैंने कहा चलो ठीक है, एक सिर्फ एक नर्वसनेस आपको एक बॉल की रहती है वो हो गई पहला बॉल, तो फिर मैंने सेकंड बॉल डेविड वॉर्नर आया, मैंने कहा इनको नॉर्मल गुड लेंथ से डालेंगे अपने और आउटस्विंग करेंगे, ये बैट फेंकते हैं तो एज खाएंगे और मैं विकेट लूंगा, मतलब मैं उस कॉन्फिडेंस में कि लेफ्टी को क्या मैं डोमेस्टिक में बहुत अच्छी बॉल डालते डालते आउट कर रहा था, तो मैंने बॉल डाली गुड लेंथ पे तो उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से चौका मार दिया, इतना तो मैंने कहा डोमेस्टिक मैंने कभी खाया नहीं, मतलब ऐसे एक होता ना आदमी को क्योंकि लेवल फर्क पड़ता था बिल्कुल, आप मैं मेरे को ऐसा लगा यार ये क्या हो गया, मतलब मेरी तो ये बहुत अच्छी बॉल डाली उस पर इन्होंने ठोक दिया चौका, अब मैंने कहा इनको मैं थोड़ा और दम से डालता हूँ और विकेट पे डालता हूँ, एरिया नहीं दूंगा, जैसे विकेट पे डालने गया ना तो मैंने थोड़ा एंगल चेंज करा, वो एंगल में नो बॉल होगी। अच्छा। कि मैंने कहा थोड़ा और दम से डालूंगा ताकि क्या पता पेस वो रही तो और दम से डालता हूँ, अब वो नो बॉल होती मैं प्रेशर मेरे को फिर फील हुआ, मैंने कहा अब तो क्या डालूं, मेरे को पक्का छक्का मारे मैंने खुद ने सोच लिया ऐसे, तो वो और फिर वो मैंने कहा अपनी मैं गुड लेंथ बैक ऑफ लेंथ बॉल डालूंगा ताकि वो बाउंस करे या ये मारे तो मार नहीं पाए, और उन्होंने छक्का मार दिया, मैं कहा फिर यार ये काम मैं तो नहीं करना है यार, मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा ऐसे करके, तो मैंने कहा अब तो आउट करना ही पड़ेगा, और जैसे मैंने बोला आउट करना पड़ेगा अगली बॉल ही जो मैं डालना चाह रहा था वो डल भी गई, वास्तव में वो बॉल अच्छी मतलब ऐसे बोलते ना कि स्विंग होती हुई बाहर निकली और उन्होंने ऐसे बैट फेंका और पॉइंट पे बिल्कुल डूब सा कैच में, फिर बिल्कुल नॉर्मल, फिर जो प्रेशर था ना सारा इज आउट, और जैसा बस ये मान लो ये लक भी थोड़ा मान लो कि मैंने कहा यार अब तो आउट करना ही पड़ेगा, उसी अगली बॉल पे आउट भी हो गए वो,
तो एकदम से जब सारा प्रेशर था सारा उठ के मैं हवा में कूद रहा हूँ, अगले दिन अखबार में जब मेरे फोटो देखी वो वाली की जो मैं कूदते हुए, इतना मैंने कहा इतना मैं कब कूद गया यार, तो कभी कूदा ही नहीं था इतना पर काफी अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला उस एक ओवर से, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि मतलब आपको माइंड से कितना स्ट्रांग रहना है कि आप एक सेकंड भी आईपीएल और ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आप हल्के नहीं पड़ सकते कि आप माइंड से जो नहीं चलो ठीक है हो जाएगा, नहीं आपको हर बार हर बॉल पे फोकस रख के करना ही पड़ेगा। ओके तो आप कौन से फास्ट बॉलर से क्या सीखे उधर आरसीबी में? आरसीबी में मैं जब था मेरे ख्याल से मेरे को लगा कि ना मैं मेरे को मिचेल स्टार्क से डायरेक्शन का मौका मिलेगा, मुझे मिचेल स्टार्क काफी पसंद है ना, तो मिचेल स्टार्क आए नहीं उस साल, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो उस टाइम हमारे बॉलर थे शेन वॉटसन थे, शेन वॉटसन ने काफी इंप्रेस हुए मुझसे, मैंने उनको क्या हमारे प्रैक्टिस गेम में मार उनको दोनों बार आउट कर लिया, तो वो उन्होंने काफी वो था। और एडम मिलने था एक बॉलर जो न्यूजीलैंड के, वो भी फास्ट बॉलर। तो मेनली जो मैंने सीखने को मिला वहां से डेनियल विक्टोरी जो हमारे कोच थे ना उनसे काफी सीखने को मिला। अच्छा तो उन्होंने मेरे को ये चीज बताई कि मतलब आपकी जो बॉलिंग होती है आपको सबसे पहले अपना रिदम फाइंड करना बहुत जरूरी है, सबकी बॉलिंग अलग, जैसे आपकी बैटिंग में भी मेरे ख्याल से होता होगा कि आपका क्या स्टाइल है, right. आप अपने आप से काम रखते हो क्या रखते हो, और दूसरी की फास्ट बॉलिंग में तो स्पेशली स्किल्स तो चाहिए चाहिए, उसके साथ आपको फिटनेस बहुत चाहिए, तो आपके फिटनेस से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो उस लेवल पे जाके मैंने बहुत कुछ सीखा कि आपकी डाइट आपको क्या लेनी है, मतलब जो मेरी लाइफ थी ना बिल्कुल मेरी आईपीएल में गया इतने बड़े प्लेयर्स के साथ आना तो मेरी बिल्कुल टोटली चेंज होगी, मैंने डाइट मेरी चेंज करी, मेरी फिटनेस का लेवल जो मेरा था कि जो मेरे पहले था वो मेरा बिल्कुल चेंज हो गया, मतलब डेढ़ महीने के टाइम में इतना फर्क पड़ गया कि मुझे ऐसे खुद को फील होने लगे यार कि मैं पहले क्या था खेलते और कंटिन्यू खेलते, पहले मुझे ऐसा लगता कि आप इतना कंटिन्यू खेल रहे हो तो आपकी बॉडी थकती है, बट वहां रहा अच्छी डाइट ली आप अच्छा सोच रहे हो बिल्कुल पॉजिटिव सोच रहे हो और जो आप करना चाह रहे हो वो कर रहे हो तो आपकी बॉडी मेरे को थकान नहीं फील नहीं होने लगी। तो मतलब इस चीज में मतलब ये कहूंगा कि आप दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अगर कंट्रोल पे रखा हुआ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। वहां जाके मैंने यही सीखा, विराट भैया से मैंने पूछा, मैंने कहा भैया आपने पहले भी इतनी अच्छी बैटिंग करते थे पर आपने दो साल से तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे रन बनाने लगे करने लगे, तो उन्होंने ये बोला कि फिटनेस का बहुत बड़ा रोल रहता है, बोला था कि सारा खेल दिमाग का है, दिमाग का अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप मेरे ख्याल से कुछ भी अचीव कर सकते हो। ओके तो विराट कोहली ने मतलब के एज अ कैप्टन और एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे, क्योंकि सबको पता है कि विराट कोहली जब ग्राउंड में जाते फुल एग्रेसिव रहते हैं, उनका प्लेइंग मतलब प्लेइंग टाइप थोड़ा अलग है, थोड़ा एग्रेसिव है, बाकी जो भी लेजेंड्स थे पहले क्रिकेट के सब शांत थे। तो आपको आपको क्या लगता है मतलब आपने उनके साथ खेला है, पब्लिक को पता नहीं कि एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा है, जो भी क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा आदमी है, तो आप बताओ जरा। जैसे ग्राउंड पे वो बोलते हैं ना सबका रिदम कि कोई शांत रहता है, जैसे माही भाई हैं वो बिल्कुल शांत रहते हैं बिल्कुल काम, पर वो अपन को लगता है, पर ग्राउंड में वो दीपक, मुझे दीपक से मैं बात करता था, दीपक बोलते थे कि वो ग्राउंड पे सबको ऐसे मतलब डरा के ऐसे रखते हैं कि ये सुनना है या करना है, और जैसे विराट भी हैं, विराट भी अपोजिट हैं, वो एग्रेसिव दिखते हैं और उनको मुझे ऐसा लगता है कि सबका नेचर होता है ना, तो उनका नेचर ये कि ग्राउंड पे आते ही वो एग्रेसिव रहते हैं तो ही वो ग्राउंड के अंदर अपने आप को फोकस रख सकते हैं, और ग्राउंड के बाहर बिल्कुल अपोजिट, हर किसी से हंसी मजाक करना और आप ऐसे कह नहीं सकते, मतलब कोई भी आ रहा हो क्या हाल है तेरे, और ऐसे वो थोड़ी पंजाबी स्लैंग है उनकी, तो उसमें चलो चौधरी जी इस बार कर देना काम, चौधरी साहब ये आप ऐसे कर देना, उनको उड़ा देना, और ऐसे करके बहुत मतलब बिल्कुल अलग नेचर हो ग्राउंड के अंदर, बिल्कुल अलग। राइट मतलब ऐसा एटीट्यूड का प्रॉब्लम कुछ नहीं मेरे को, तो मतलब मतलब आपको खुद में ऐसे लग रहा था यार विराट भैया से मिलूंगा जाके खेलना है साथ में, बट बिल्कुल कभी एक बार भी ऐसे फील नहीं होने दिया, और मुझे लगता है बड़े प्लेयर्स की एक निशानी तो होती है कि वो कभी आपको ऐसे फील नहीं होने देंगे, वो सिर्फ अपने गेम से बात करते हैं, गेम बड़ा तो प्लेयर बड़ा, बाकी एज ए ह्यूमन बीइंग तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, और बहुत फील ही नहीं होने देगी इतना बड़ा प्लेयर हूं मैं और ऐसे करके। ओके और एबी डी विलियर्स, शेन वॉटसन और क्रिस गेल से आप क्या सीखे? मेरी सबसे अच्छी क्रिस गेल से जरूर बनती थी, और वो क्रिस गेल वो तो ग्राउंड के अंदर भी चल रहा था, हमारा मैच चल रहा था, मैं पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा, तो मैंने कहा यार, और क्रिस गेल कर रहा है शॉर्ट थर्ड मैन पे, तो मैंने कहा क्रिस तुम्हें मेरे ख्याल से पॉइंट पे करने चाहिए मेरे को, तो वो बोला कि नो
तू पॉइंट पे फील्डिंग करेगा और मैं थर्ड मैन पे करूंगा. हिंदी में बोला? नहीं, उसने क्रिस गेल ने. नहीं, हिंदी में बोला क्या? ऐसा बोल रहा हूँ. नहीं नहीं, हिंदी नहीं बोला, इंग्लिश में. बट पर वैसे मैं कि नो 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 नो, यू स्टैंड देयर ओनली, मैं यहाँ बस खड़ा. प्रेशर नहीं चाहिए पॉइंट पे. तो मैंने कहा मैं तो रणजी ट्रॉफी में पॉइंट पे नहीं करता, मुझे कहा खड़ा कर दिया यार. ऊपर से झुक के खड़ा रहना पड़ेगा, ऊपर से झुक के खड़ा रहना पड़ेगा. पॉइंट पे बॉल इतनी तेज आती है और क्या है, वो फास्ट गेम इतना होता है ना, तो एक बॉल के लिए मुझे खड़ा करा था. तो मैं एक बॉल पे भी कह रहा था कि इतना बड़ा गेम होता है कि आप लूज नहीं पड़ सकते किसी भी. तो मैंने कहा मैं, क्योंकि मैं पॉइंट पे करता भी नहीं फील्डिंग, मैं पॉइंट का फील्डर ही नहीं, अपने तो थर्ड मैन फाइनल लेग वाले हैं, आराम से शांति से खड़े रहो. बट वो क्रिस गेल, मैंने कहा एक बॉल के लिए, मैंने कहा आप इधर, नो नो नो, यू स्टैंड देयर ओनली एंड सेव वन रन. और अपना एबी डिविलियर्स से, एबीडी से तो नेक्स्ट लेवल, उन्होंने बहुत मोटिवेट करा मुझे. ने हम बॉल डालते, हम तो शर्ट्स पे खेलते थे, जैसे ओपन एड्स होती है अपनी, तो अपनी फील्ड बताओ. और मैंने कहा मैं एक भी चौका नहीं खाऊंगा इस ओवर में, या ये डालूंगा. तो वो काफी मतलब बहुत ऐसे बोलते थे कि अनिकेत यू आर गुड, और तू अच्छी बॉल डालता है, कीप बॉलिंग देयर, और ऐसे करके तेरी जो हार्ड लेंथ है. और मैं जैसे जब मैच खेला बाद में आरसीबी से, तीन चार मैच, पांच मैच खेला टोटल, पहला मैच खेला था, उसके बाद चार मैच लगातार खेला एंड में. तो एबी डिविलियर्स से तो मेरी बहुत बात होने लगी थी, मतलब वो मिड ऑफ पे खड़े हैं और मैं बॉल डालता था तो मेरे को समझाते थे. जैसे विराट भी लॉन्ग वन पे चले गए एंड में, स्लॉग ओवर में अपन बॉल डाल रहे, तो वो मिड ऑफ पे खड़े हैं ऊपर, तो आके समझाना कि अब यही बॉल डालना, चेंज मत करना, तो बहुत अच्छी बॉल डाल रहा, और ऐसे करके. तो काफी मतलब बहुत पॉजिटिविटी दी उन्होंने. और मेरे ख्याल से उस लेवल पे सिर्फ आपको, सबको पता है आपको क्या करना है, सिर्फ एक कॉन्फिडेंट होता है ना कि यार इतना बड़ा प्लेयर मुझे कुछ बोल रहा है, तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ मैं कर लूंगा. ग्रेट ग्रेट. तो हम थोड़ा व्यूअर्स के क्वेश्चन लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर. व्यूअर्स जो भी है, आप मिस्टर अनिकेत चौधरी सर को क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट फास्ट बॉलिंग या कुछ भी रिगार्डिंग, फास्ट बॉलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी रहेगा, और कैप्टनसी के बारे में पूछ सकते हो. राजस्थान कैप्टन, मेरी कैप्टनशिप तो खतरनाक थी यार, पहले मैच, पहले सीरीज में मैं फाइनल राजस्थान खेली है. अच्छा, मैंने T20 में पहली बार फाइनल खेली थी, वो भी मेरी कैप्टनशिप में. तो मैंने कहा आई एम लकी कैप्टन. ग्रेट यार, फास्ट बॉलिंग कैप्टन तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फास्ट बॉलर्स लोग को बहुत कम चांस मिलता है कैप्टनशिप में. बहुत चांस मिलता है, बिल्कुल सही बात है. ओके, लेट्स सी, आपको कुछ दिखा तो बताइए. ओके, एक का है सुहास, व्हाट काइंड ऑफ फिटनेस शुड फास्ट बॉलर डू रेगुलरली? मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग के लिए तो सारी चीजें जरूरी है, कोई रेगुलर वाला कुछ नहीं. आप अपने आप, पहले तो आपकी बॉडी को आप बताना चाहिए कि आपके क्या पार्ट्स वीक है. जैसे फास्ट बॉलिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए आपके लेग्स, और फास्ट बॉलिंग मतलब फिटनेस के साथ साथ आपकी स्किल्स जो मतलब बोलते हैं ना बायोमैकेनिकली, कि आपकी इंजरी कम हो, तो आप एक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी, तो उसकी ड्रिल्स भी करनी जरूरी है. यही नहीं कि आप बीस मिनट में 5 किलोमीटर भाग रहे हो, फिटनेस तो अच्छी कर ली पर आपका एक्शन ऐसा है कि आपको इंजरी हो रही है बार बार, तो वो चीजें भी साथ साथ फास्ट बॉलिंग में बहुत जरूरी है. फास्ट बॉलिंग तो ऐसा कि आपको पता ही नहीं रहता कि कब कितना शरीर पे लोड पड़ता है. तो मेरे ख्याल से कि फिटनेस के साथ साथ आपको बॉलिंग एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी इंजरी कम हो और आप ज्यादा खेलो क्रिकेट. तो एक क्वेश्चन मेरे से है कि आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह के एक्शन के बारे में? मुझे तो जैसे उस टाइम याद है, मुझे वेंकटेश प्रसाद और थे ना बॉलिंग एनालिस्ट जो स्पेशली आया था, तो उन्होंने जस्सी के वो एक्शन देख के उन्होंने यही बोला था कि जस्सी तो अपना एक्शन चेंज मत करना, क्योंकि उस एक्शन से वो बहुत तेज बॉल डाल रहा था अपने उस ग्रुप में भी, हालांकि उसके और थोड़ा डिसेप्टिव एक्शन भी. पर उसका मैंने जो देखी, उनका जो एक्शन है ना एंड में जसप्रीत बुमराह का, बिल्कुल सही है एंड में, ब्रेस लेग और सब प्रॉपर. उसकी लोडिंग थोड़ी ऐसे मान लो आप, बॉलिंग की लोडिंग थोड़ी अलग है नॉर्मल बॉलर से, पर जो एंड की डिलीवरी स्ट्राइड, जो मेन जहां पे आप बॉलिंग जोर करता है बॉलिंग, वो एकदम परफेक्ट है. आगे वाला फ्रंट एकदम सही स्टिफ रहता है आगे से, और जो सिर्फ उनका लोडिंग इधर जाता है तो ऐसा लगता है ये क्या एक्शन है, पर एंड में एकदम सही है. राइट राइट, ओके. राहुल का क्वेश्चन है, आपका स्पीड कितना है? यार स्पीड तो ये क्या कहते हैं, कभी आप डालो तो कभी 140 दिखाता है, कभी डालो 130 दिखा रहा है.
कभी 135 दिखाता, तो मेरे ख्याल से ये रिदम पे डिपेंड करता है आप किस दिन किस रिदम पे हो। जब मैं आईपीएल खेल रहा था तो आईपीएल में तो मेरी अबव 140 डाल रहा था मैं, तो एक आप में जोश ज्यादा रहता है। और रणजी आप खेलते हो तो नो डाउट आप इतनी कंटिन्यूसली नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको 25-25-30 ओवर लगातार फेंकने होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी स्पीड अब मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली सबकी गिरी जाती है। तो मतलब ये तो रिदम के ऊपर है, कभी रिदम अच्छा हो रहा था तो मैंने आईपीएल में 145 भी टच कर रखी है, तो मुझे अच्छा। खुद को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी तेज डाल सकता हूँ। एक होता ना आदमी को खुद को यार यकीन ही नहीं था कि, बट उस टाइम रिदम, आपकी फिटनेस, आप क्या सोच रहे हो, वो आपको अलग ही लेवल पे ले जाता है। सारा कॉन्फिडेंस का खेल है और वो कॉन्फिडेंस सारा दिमाग से आता है आपके। आकाश शेट्टी का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर रनअप। रनअप का तो मेरे कभी भी क्रीज पे, अब जैसे आदमी अब अपन जब भी स्टार्ट लेते हैं तो हमेशा एक जैसे आप नॉर्मल स्ट्राइड भागते हो ना कि मैं अच्छा स्मूथ भाग रहा हूँ, तो वो चीज आपको फील करनी है। और हर बॉलर की अलग रिदम होता है। किसी भी जैसे अपने मोहम्मद शमी वो हैं, उनका आप रनअप देखोगे तो थोड़ा अलग रहता है, पर लास्ट के 5 स्ट्राइड में वो एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। और ईशान शर्मा का रनअप मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्मूथ भाग, बहुत अच्छा जंप लेके एकदम से सारा लोड देना। और जस्सी का, बुमराह का, उनका रनअप भी बहुत अलग है। तो सबका मेरे ख्याल से अलग है, वो आपको खुद को फील करना है कि ये मैं अच्छा भाग के मतलब बेस्ट फील कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं रश तो नहीं कर रहा, लॉन्ग स्ट्राइड नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल बॉडी में आप अच्छा भागो, मेरे ख्याल से वो बेस्ट रनअप होता है। और इम्प्रूव करने के लिए तो जैसे हम, मैंने इम्प्रूव ऐसे करा था कि क्रीज से जैसे एक जगह खड़ा हुआ घास में, आंख बंद करी और भागा, और एक दोस्त को बोल दिया कि तू वहां खड़ा होता ना जहां भी मैं जंप लू। तो मैं जैसे 6 बॉल डाली आंख बंद करके, और अच्छा आंख बंद करके आपको अच्छा फील होता कि हाँ मैं ये फील कर पा रहा हूँ मेरी बॉडी कंट्रोल। तो जहां मैं, जहां से जंप ली वहां पे एक मार्क लगाया, जहां लैंड हुआ वहां एक मार्क लगाया, उसको उल्टा नाप लिया और बस उसको वहां से 6-7 बॉल डाली। हाँ, ये बहुत बेसिक चीज है ये, मतलब बहुत क्रिकेटर्स करते हैं, जिसका भी रनअप का प्रॉब्लम होता है, नो बॉल का प्रॉब्लम होता है, वो ऐसे ही करते हैं। सब कोचेस वही बोलते हैं कि आप क्रीज से भागो, आपको आग बंद करना है और वहाँ पे दो लोग को खड़े करते हैं मार्क करने के लिए। ये बेस्ट तरीका है, खुद के पर्सनली मेरे लिए भी बहुत फील हुआ, बाकी यही बेस्ट मुझे लगा कि हाँ इससे आप इम्प्रूव काफी अच्छा कर सकते हो। एग्जैक्टली। दिनेश शर्मा का क्वेश्चन है, भैया मोटिवेशन कैसे लाए। मोटिवेशन तो यार पर्सनल खुद का वो होता है यार, आप मोटिवेशन वीडियो देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास मोटिवेशन नहीं, और खुद को अपने आप को आप रखोगे ना, आपका एक गोल होना चाहिए लाइफ में कि मुझे उस वो चीज अचीव करनी है, तो मेरे ख्याल से आपको कभी लाइफ में मोटिवेशन की कमी नहीं हो सकती। आपकी लाइफ में अगर गोल है कि मुझे वो करना है, तो फिर उस वो और क्या मोटिवेशन की, आपका गोल है वो अचीव करना है, वही मोटिवेशन हुआ आपका। या तो आपकी लाइफ में गोल नहीं है, या गोल है तो वो इतना आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो। जिस आदमी ने सोचा कि आप मुझे सीरियसली ये गोल अचीव करना है, तो उस फिर उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो आप अपने दिमाग से बोलो कि मेरे को ये अचीव करना है रोज एक, या आपको ऐसा लगता है तो अपनी दीवार पे एक पोस्टर बना के, जैसे अपने एनसी में भी सिखाया करते थे सबको, एक जो आपको अचीव करना है वो टारगेट आप अपनी दीवार पे लिख लो और रोज उसको देखोगे, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। रोज उसको उठो, आप देखो मेरे को अचीव करना है, बाकी तो आप सोच लो मुझे एक दिन में करना है, तो ये एक दिन में कुछ नहीं होता, डेली का प्रोसेस है, डिसिप्लिन में रह के आपको करना है तो फिर करना है। ओके, तो हम अभी रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, अभी रेडी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, अब जो मेरे मन से निकलेगा वही निकलेगा, ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस कहाँ होती है इसकी। ओके, तो आपका फेवरेट बैट्समैन और बॉलर बोलना है, जो भी क्वेश्चन बोलूंगा उसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रहेगा, ठीक है। ओके, फेवरेट बैट्समैन एंड बॉलर। इंटरनेशनल में मुझे बॉलर तो ज़हीर खान, और बैट्समैन विराट कोहली, और इंडिया में डोमेस्टिक में, मतलब डोमेस्टिक में इंडिया प्लेयर भी काउंट करेंगे अपन या नहीं करेंगे। नहीं नहीं, इंटरनेशनल जो खेल रहे हैं वो लोग में, मतलब लोग का जो नॉर्मली खेलते हैं रणजी ट्रॉफी में। लोकल में मुझे बैट्समैन अच्छा लगा हमारे, कौन था यार, बहुत एक तो मुझे अंकित बावने बहुत अच्छा लगता है, अंकित बावने की क्या स्टाइल बहुत डिफरेंट है, पर वो
अलग खेलता है, मतलब ऐसा लगता है अभी आउट हो जाएगा, पर अभी उसको आउट हो पता जाएगा, है, पर उसको पता है रन कैसे कर रहा है। वो मेरे को काफी अच्छा लगता है। और ऐसा बॉलर में ऐसा लगा कि कोई फेवरेट बैट्समैन नहीं, मैं सबको आउट नहीं कर रहा। कोशिश तो मेरी हमेशा ये रही कि अपन अपन आउट करके ही रहेंगे, बाकी हुए नहीं हुए बहुत अलग बात है, पर एग्रेसिव तो आप कैसे होता है। ओके, आपका फेवरेट फील्डर और ऑलराउंडर? क्रिस गेल ऑलराउंडर बोलना नहीं। फील्डर तो रविंद्र जडेजा, नो डाउट। हाँ दोनों बोलना है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में तो हमारे हमारे राजस्थान के चीते बहुत हैं। एक डोमेस्टिक में मुझे वो अच्छा लगा, अभी तो हमारा लड़का है नागरकोटी, वो नो मतलब क्या, मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, इतना सुपर फिट सुपर टैलेंटेड लड़का, वो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट फिट भी। मतलब अब उसकी इंजरी ऐसी होगी कि वो बेचारा कोप अप नहीं कर रहा, नया नया था, उसको लोड बहुत ज्यादा हो गया। और कभी ऐसा हो जाता है पार्ट कि आप जैसे पैट कमिंस भी था, वो भी इंजर्ड रहा 3 साल, रहा तो रहा, मतलब आप हाँ कुछ नहीं करते उस चीज से। बट नहीं तो मैंने उसको, मैंने देखा जब भी, और पहले तो सुना उसके बारे में इतना कि भैया इतना, मतलब हमारे एक महिपाल है जो हमारे कैप्टन भी रहा था, महिपाल लोंगरू, वो भी फिट लड़का और नेक्स्ट लेवल फील्डिंग उसकी। पर नागरकोटी अच्छा है, और एक है हमारे चंद्रपाल सिंह, मेरे को लगता है वो बेस्ट है। उसका तो हम मैच खेले, हम टीम, उसने अपनी फील्डिंग के दम पे हमें मैच जिता दिया। एक चंद्रपाल सिंह नाम है। चंद्रपाल सिंह नाम है, उदयपुर का लड़का है, और रणजी अभी अच्छा 2020 खेल, सिर्फ 2020 स्पेशलिस्ट है वो हमारी, अच्छा काफी मतलब राइट। बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल। मतलब उसने 2 कैच तो ऐसे पकड़े फील्डिंग से ही, मतलब पूरा माहौल बना के एक रन आउट करके अच्छा, पूरा मैच हमारी तरह, हम 120 रन डिफेंड कर रहे थे, तो उसने करवा दिए। और ऑलराउंडर में? ऑलराउंडर में इंटरनेशनल में तो मुझे अभी हाल फिलहाल बेन स्टोक्स नंबर 1, उसके बाद मैं आंद्रेस का भी जरूर नाम लूंगा, पर वो T20 में बहुत डिस्ट्रक्टिव है। पर बेन स्टोक्स ने तो क्या है, टेस्ट मैच से लेके हर जगह सब सब फर्क। वर्ल्ड लेके, और डोमेस्टिक में ऑलराउंडर मुझे पर जो भी ऑलराउंडर अच्छे रहे ना अपने डोमेस्टिक, सब इंडिया खेल के, चक्कर ये रहा। मैं एक एक नहीं खेला, जल्द सक्सेना। जल्द सक्सेना नहीं खेला, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो परफॉर्मर, वो भी केरला टीम को अकेले अपने दम पे, बिल्कुल केरला टीम केरला को अकेले एमपी संभाल कंसिस्टेंट रखा है, परफॉर्मर है। परफॉर्मर, बिल्कुल सही बात है। ओके, आपका फेवरेट टीम और कोच बताना, राजस्थान के छोड़ के। फेवरेट टीम मेरी नो डाउट इंडिया, इंडिया भी छोड़ के, मतलब आपका जो है, मतलब कंट्री में इंडिया और स्टेट में राजस्थान, ये छोड़ के दूसरे बताने। डोमेस्टिक में फेवरेट टीम लगती है, वो लगती है मुझे बॉम्बे, अब मुझे थोड़ी हल्की लगने लगी, पहले मुझे बहुत सी लगती थी, अभी हाल फिलहाल मेरी फेवरेट टीम कर्नाटका है। अच्छा ओके, और पहले जब हम, यह तो हो सकता है वो काफी टाइम से चैंपियन नहीं बनी इसलिए, क्योंकि नहीं, कर्नाटका में अभी 2-3 साल पहले तो चैंपियन हुई थी, 3 साल पहले, लगातार 2 साल फाइनल खेली थी, शायद आपको पर पता नहीं। मेरे को सब पता है, पर चक्कर ये है कि बॉम्बे ने कभी इतना गैप नहीं दिया कि 3 साल गैप हो गया और वो चैंपियन नहीं बने। एक बहाने आ गया, एपी दिख रहा है शाना, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं करता है, इधर रिप्लाई बाबा बाबा ने आ गया है, बाबा फेवरेट बैट्समैन बना दिया आपको, करता बाबा कह रहे हैं ओके। राजस्थान बेस्ट है, पर बहुत पैसे राजस्थान लगे, अलाउड नहीं है ना अपने को। राजस्थान अलाउड नहीं है। ठीक है, अगेन बैक टू क्वेश्चन, बिल्कुल टीम बिल्कुल एंड कोच। कर्नाटक हो गई आपकी टीम और कोच? बेस्ट तो हमारे, फिर हमारे, अच्छा राजस्थान के बोलने नहीं क्या, हमारे असावा सर काफी अच्छे हैं, बहुत, या तो हो गया उनसे 10 साल हो गए उनके साथ खेलते हुए, बहुत अच्छा अच्छा अंडरस्टैंड कर मतलब इस चीज को, वो ठीक है, मतलब उनको पता है किसको कितनी स्पेस देके और क्या करना है। और इंटरनेशनल? इंटरनेशनल में तो डेनियल विटोरी, ओके, एंड टीम टीम फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया नहीं। ऑस्ट्रेलिया। ओके, आवाज बैठ गई। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन? फेवरेट डेस्टिनेशन जहां मैं खेला हूँ वो मुझे ऑस्ट्रेलिया लगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। के ग्राउंड पे मैं मैच खेला, तो वो बेस्ट मुझे लगा। ओके, आपका फेवरेट फूड एंड ड्रिंक? फूड राजस्थानी बेस्ट है, दाल बाटी अच्छा, उससे कभी बेस्ट खिलाओ यार,
राजस्थान में आया तो खिलाओ, खाया नहीं। अब पक्का अब आपको घर पे खिलाएंगे अपने हाथों से, बिल्कुल चूल्हे पे रुदे होता ना, बिल्कुल एकदम वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ओके और ड्रिंक ड्रिंक में आजकल जिंजर एल बना हुआ है और सब हेल्दी डाइट पे है ना, तो बाहर अच्छा, भी जाओ तो कोरोना वायरस से डर के सब हेल्दी डाइट में घुस गए अभी। कोरोना वायरस से तो बिल्कुल वो हो गया, आजकल तो वो बील का जूस आता है वो बेस्ट है, घर पे बना के वही पीते हैं, गर्मी भी नहीं लगती और वो भी है। ओके क्वेश्चन है शुभम का, सर टुडेस प्रॉब्लम मेंटली टफनेस प्लीज, मतलब क्वेश्चन थोड़ा अलग लिखा है, आपको क्या लगता है मतलब आजकल के यूथ बहुत मतलब सोशल मीडिया और मतलब फोकस नहीं रह रही है एक ही जगह क्रिकेट में या ऐसा कुछ भी। मुझे तो ऐसा लगता है आजकल के जो बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है एकेडमी जो ज्वाइन कर लिया, अब जैसे मैं भी एकेडमी जाता हूँ तो प्रैक्टिस के लिए, जैसे रणजी के अलावा अपने जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है तो सब बच्चे ही पूछते हैं भैया हम आईपीएल कब खेलेंगे, उनको ये लगता है एकेडमी ज्वाइन कर ली तो अगले दिन ही उनको आईपीएल चाहिए, सीधा इंडिया रणजी ट्रॉफी इंडिया सीधा खेल लेते, रणजी ट्रॉफी तो उनके लिए वैल्यू ही नहीं रही है, या तो आजकल आईपीएल रही है नहीं तो इंडिया से भी कम। अगर मैं जैसे कभी बाहर कहीं जाता हूँ जैसे जो लोग क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते उनको ऐसे बोलो कि राजस्थान से है, राजस्थान से खेलता है तो राजस्थान मतलब राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान नहीं, जो एक रणजी की वैल्यू हुआ करती थी। मुझे लगता है ऐसे थोड़ा आजकल सोशल मीडिया में भी बिल्कुल हर कोई आईपीएल आईपीएल और आईपीएल करके, तो रणजी ट्रॉफी की थोड़ी तो वैल्यू कम हुई है। थोड़ी वैल्यू नहीं बहुत सारी हुई क्योंकि मेरा भी एकेडमी है तो वहां पे बच्चे लोग आते हैं ना तो बिल्कुल उनके पेरेंट्स का क्वेश्चन भी रहता है कैसा प्रोसीजर इंडिया रणजी ट्रॉफी उसका नहीं, आईपीएल कैसे खेलते हैं सर, आईपीएल मुझे क्वेश्चन अभी आपको भी आते रहेंगे इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी क्वेश्चन आते रहते हैं पर आईपीएल का प्रोसीजर कैसा है भाई, बोला मैं इतना खेल के इंडिया अंडर 20 खेल के मैं खुद आईपीएल नहीं हूँ मैं तुझे कैसे बताऊँ। बिल्कुल आईपीएल तो बिल्कुल अलग चीज हो गई, आईपीएल से आप ऐसे नहीं बोल सकते, आईपीएल कोई भी खेल सकता है कभी भी, पर ये अगर कंसिस्टेंटली आप अपने स्टेट के लिए खेल रहे हो तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है। और कुछ क्वेश्चन है क्या, ये लाडा जी भी आ गए, लाडा जी बोल रहे हैं नींबू पानी ड्रिंक बेस्ट है। कौन लड्डा? अच्छा ओके चिराग बोरा का क्वेश्चन है व्हाट आर द की पॉइंट्स फॉर इंक्रीजिंग बॉलिंग स्पीड। की पॉइंट्स बॉलिंग स्पीड के लिए तो सबसे पहले तो आपकी फिटनेस और उसके बाद आपका स्मूथ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक्शन अच्छा होगा ना, मतलब वो पूरी साइंस है एक तरह से जो बायोमैकेनिक्स अपन बोलते हैं, अगर आपके जितना अच्छा है वो होंगे, जितना अच्छा आपके अलाइनमेंट रहेगा बॉडी का, जितना अच्छा वेट ट्रांसफर होगा उतनी स्पीड आपकी निकलेगी बॉलिंग से। और फिटनेस आपको वो उस चीज को हेल्प करती है कि आप 20वां ओवर भी डाल रहे हो तो वो सेम स्पीड से डाल सको। राइट आपका मुझे इंडिया ए का क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल जब आपको इंडिया ए का कॉल आया था तो आपको कैसा लगा वो टाइम, और बर्थडे के दिन में ही आया था मैंने सुना है। बर्थडे के दिन आया था, हाँ वो मेरा कॉल आया था, हम बांग्लादेश टेस्ट टीम के अगेंस्ट वार्म अप गेम खेल रहे थे इंडिया ए से। हाँ। हार्दिक पांड्या हमारा कैप्टन था। अच्छा पांड्या के एंकल में चोट लग गई थी तो वो मेरे ख्याल से 2 ओवर डाले फिर उसको एंकल वो मिट्टी बिल्कुल, हैदराबाद में मैच था जिमखाना में तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं डाल रहा, मतलब उनको पेन हो रहा होगा उसको तो बाहर चला गया। फिर मैं बॉल डालने आया तो मैंने पहले स्पेल में 4 विकेट आउट कर दिया बांग्लादेश टेस्ट मतलब मेन टीम के, तो मैंने और वो ही था कि हैदराबाद का जिमखाना क्लब था ना उसमें बाउंस बहुत अच्छा मिल रहा था तो जो मेरी क्वालिटी थी कि बाउंस मिल रहा है और स्पेशलिस्ट तो हो ही आप बाउंस के लिए, हाइट है आपका, हाइट से मेरे को फायदा मिलता है। और उनके बैट्समैन थे ऊपर के 4 लेफ्टी जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब क्योंकि लेफ्ट आर्म का एंगल राइट लेफ्टी के लिए बहुत अच्छा, मेरी स्विंग होने बहुत अच्छी स्विंग हो रही थी बाउंस के साथ स्विंग हो रही थी ना तो मैं पहले 4 ओवर में मेरे ख्याल से 3 बैट्समैनों ने उनके आउट कर दिए थे टेस्ट मतलब मेन टेस्ट टीम के लिए, तो वहां से मेरा काफी एक हो गया ना कि आप कॉन्फिडेंस आया हो गया, कॉन्फिडेंस आया कि टेस्ट टीम के अगेंस्ट आप एकदम से पहले स्पेल में 4 तो मैंने 10 ओवर में कोई 10 ओवर डाले उसमें हमने 40-50 ओवर में आउट कर दिए थे और मैंने 4 विकेट आउट करे थे उनके 10 ओवर में। तो उसके बाद ही हमारा फिर ये T20 मैचेस थे, T20 देवधर थी और वहां से बस एकदम से 20 दिन के अंदर ही इतना नाम हो गया कि एकदम से अनिकेत अनिकेत अनिकेत
उस टाइम हमारा आईपीएल ऑक्शन भी आ रहा था, तो थोड़ा नाम का भी फर्क पड़ता है कि आपका अच्छा डोमेस्टिक में नाम चल रहा है तो सारी फ्रेंचाइजी आपको देखती भी है, तो मुझे लगता है उससे भी फिर वो जो मेरे को प्राइस मिले था 2 करोड़ उसका भी बहुत फायदा हुआ कि वो भी मेरी हाई चली गई। ओके, और लास्ट टू लास्ट सीजन आपने बहुत सारे विकेट्स निकाले थे, तो उस सीजन के हाँ बारे में बताओ जरा। लास्ट सीजन मेरे पहले 3 मैच में थे 9 विकेट, तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ यार अच्छा नहीं हो रहा, एक भी 3 मैच हो गए, एक भी 5 विकेट नहीं लिया, यार ऐसे तो कैसे क्या काम चलेगा यार, ऐसे करना है अपन को कुछ, और ऐसे करके सडनली मैं गया यूपी, और यूपी वाला विकेट तो बिल्कुल ही डेड था, मतलब सिर्फ बैट्समैनों के लिए, तो मैंने कहा यार अब ये चौथा मैच ही मुझे लग रहा है इसमें भी विकेट कम मिलेंगे, क्योंकि बैटिंग विकेट हो जाता है नो डाउट, आपको ऐसा लगता है खुद एक फील तो होती है कि यार इसमें भी कम विकेट मिलेंगे, पर मैंने कहा हाँ जाएगी अब जो भी है। अब उसी मैच में 5 विकेट, पहले स्पेल में 4 विकेट, वहां अच्छा, से फिर वो मैच मतलब जीते, उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ, मैं बॉल डालूं या तो बोल्ड हो या विकेट, मतलब एक एक स्पेल में मतलब टीम आउट कर दी मैंने, और 7 बार मतलब 6 बार तो 5 विकेट लगातार लिए मैंने, और एक मैच एक इनिंग का गैप आ गया, नहीं तो उसके बाद फिर मैंने मैच खेला 7वां, उसमें भी मतलब 7 विकेट लिए, तो पांच मतलब 7 बार 5 विकेट लिए, 6 बार तो लगातार लिए, वो खुद एक होता ना कि आपका ड्रीम, जैसे मैं बॉल डाल रहा हूँ चाह रहा हूँ कि अंदर जा रही है अंदर आ रही है, और ऑटोमेटिकली हो रहा है सब, क्या फील ऐसी बैठी या जो भी थी, और मैं तो खुद उस चीज को फील आज भी मतलब वही फील चाहता हूँ कि बस जैसे मैं बॉल डालूं या काम जो भी नेक्स्ट लेवल। मतलब वो रिदम बहुत है, वो आप रिदम में आ गया, विकेट पांच, पहला 5 विकेट निकला था फिर लाइन ही लग गई थी। लगातार 6 बार लेनी है, मतलब यहाँ मेरे ख्याल से राजस्थान में तो रिकॉर्ड बन गया था, इंडिया में भी काफी ऊपर तक है शायद, 7 विकेट थे किसी के 7 बार और मेरे 6 थे उस साल कितने विकेट्स निकाले थे आप? 50 उस प्लस साल था में, उतना मतलब 8 मैच में 49 विकेट थे मेरे। 49, ग्रेट अचीवमेंट यार। तो बिल्कुल बिल्कुल, पचास फिर पचास तो हो गए थे वो, मैं इंडिया का मैच खेला उसके बाद हम प्रैक्टिस वहां पे, तो वो सीजन तो 50 विकेट कर लिए थे मैंने, पर रणजी में 49 रह गए। ओके, तो ऐसा कभी लगा था कि आपको इंडिया का कॉल आ जाएगा वो टाइम में? उस टाइम मुझे बिल्कुल उम्मीद थी, पर फिर मेरा आईपीएल में भी नहीं हुआ, तो थोड़ा सेटबैक लगा कि यार मेरे को लगा, मैंने कहा इतने विकेट लेके भी अगर, और उससे पिछले साल मैं आईपीएल 2-3 साल से फिर खेल ही रहा था, तो एक होता ना कि आपने वापस इतना परफॉर्म कर लिया कि अब तो आप आईपीएल में जाओगे जाओगे, अच्छा, पर आईपीएल में नहीं हुआ तो थोड़ा सा सेटबैक लगा यार, मतलब और क्या करे आदमी, फिर परफॉर्मेंस ही तो होती है मेरे ख्याल से, और क्या होता है, बट नहीं लिया तो कोई बात नहीं, अपन और अपने आप को मोटिवेट रख के अगले साल ट्राई करेंगे। फिर इस साल मैं T20 में, चलो उस साल तो मेरे रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर था, टॉप 3 में था मैं, इस साल मैं T20 में टॉप 5 में था, और फास्ट बॉलिंग में तो मेरे ख्याल से टॉप 3 में ही था मैं, 10 मैच में मेरी इकोनॉमी भी, हम सेमीफाइनल तक खेले। यंगस्टर के लिए आपको क्या मैसेज देना है? यंगस्टर के लिए मैं ये कहूंगा कि किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो आजकल अपने यंगस्टर बिल्कुल पेशेंस कम है, जिनको ऐसा लगता है कि यार अब मैं तो खेल नहीं सकता या नहीं कर सकता, तो या फिर मेरे 2 मैच हो गया, मैं आईपीएल कैसे खेलूंगा या खेलूंगा, तो किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, आप मेहनत करो अच्छे सच्चे मन से, मन लगा के, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आजकल के बच्चे थोड़ा जो उनको लगता है कि आईपीएल दिखती है या जो भी बहुत ग्लैमर आ गया या जिस जो भी चीज़ है कि मतलब बहुत फेम मिल गया ये, तो उनको ये लगता है पेशेंस कम हो गया उनमें, तो आप धैर्य रखो संयम से, मेहनत करो अपने अच्छे मन लगा के, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रोसेस में ध्यान दो, मतलब डायरेक्ट एग्जैक्टली गोल रहना हाँ चाहिए आपका, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आईपीएल, आपको रणजी ट्रॉफी, इंडिया, ये सब बिल्कुल गोल पे बहुत रखना है और बहुत प्रोसेस पे ध्यान इम्पोर्टेंट है। देना। एक क्वेश्चन एक आया था, आदित्य अग्रवाल के बारे में कुछ कहो। आदित्य गढ़वाल वन ऑफ द राजस्थान का टैलेंटेड बैट्समैन है, जो अभी का लॉट है, अच्छा, और उसने मेरे ख्याल से 19 में तो रिकॉर्ड बनाया था, 3 दोहरे शतक बनाए थे क्या वन डे में, तो वीरेंद्र सहवाग ने बात उसको अपने घर बुला के उसको बैट गिफ्ट करा था, कि उसने कोई 4 या 5 मैच में कोई 700 रन बनाया यार, है। अच्छा, तो मतलब ये तो रिकॉर्ड था, और इस साल उसने लास्ट ईयर उसने 300 बनाए अंडर 23 में, तो मतलब पहले जैसे लोग बोलते ना कि बॉम्बे के बैट्समैन कर्नाटका के बैट्समैन यही लंबे स्कोर करते हैं, ऐसा हाँ नेचुरल सी बात है कि बॉम्बे के बैट्समैन सबसे खड़ूस होते हैं, तो उनसे पूछते थे खड़ूस क्यों होते हैं, कि कहते वो 2 घंटे ट्रेन में ट्रेवल करके आते, कहते हम 0 पे आउट होने नहीं आते, 2 घंटे ट्रेन में है
नहीं, पर आजकल आजकल वो कम हो गया थोड़ा, अभी कम हो गया क्रिकेट चेंज हो गया है, क्रिकेट क्रिकेट चेंज, चेंज हो गया, अभी खड़ूस कम हो गया है और थोड़ा चलाना ज्यादा हो गया। तड़ी तड़ी वो बॉम्बे लाइक में तड़ी ज्यादा हो गया है। देखो क्रिकेट में तीन फॉर्मेट आ गए ना, तो थोड़ा गेम चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो नॉर्मली पहले कैसे आराम से खेलो, अभी क्रिकेट चेंज हो रहा है, अटैक ही हो गया सब। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना आना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मतलब वो बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, मतलब अभी जो राजस्थान में अभी जो लंबा खेल सकता है तो उसमें से एक वो बैट्समैन है, उसमें टैलेंट है, वो मतलब उस काबिल है कि उसको वो खेल सकता है। बट बीच बीच में अपना दिमाग थोड़ा, मेरा तो एक तरह से छोटा भाई है वो, बीच बीच में अपना दिमाग आउट कर लेता, भैया यार रन नहीं बन रहा। मैंने कहा तो भाई नहीं बन रहा तो बैट्समैन तो मेच्योरी 25-26 साल का होके जाके होता है यार, तू क्यों टेंशन ले रहा है, अभी तो छोटा है तो सीखेगा, सीख रहा है। अच्छा तू रन बनाता है, रन बनाए में तूने, ऐसा भी नहीं एक आदमी होना कि कर ही नहीं रखा हो जो चीज, पर उसने तो कर भी रखी। मैंने कहा अपने पेशेंस रख, 2 इनिंग या 2 मैच से कोई आदमी बड़ा प्लेयर छोटा प्लेयर थोड़ी होता है, अपना बस वही जो बोलते हैं ना प्रोसेस फॉलो करो कि मेहनत करता रहे मिलेगा रिवॉर्ड भी। ओके, तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म कर देते हैं। बिल्कुल थैंक्स अनिकेत चौधरी फॉर कमिंग लाइव, और होप सबको मजा आया रहेगा, और ऐसे ही आप एंटरटेन करते रहो हमें आगे भी, राजस्थान या फिर आगे आईपीएल या फिर आगे इंडिया, इंडिया इंडिया ए को और इंडिया, जब चांस मिले हम तो आपके साथ हमेशा है बैक करने के लिए और चेयर अप करने के लिए। कभी भी आपको कुछ लगे मोटिवेशन स्पीच चाहिए रहेगा मेरे से, तो मेरे लिए पक्का 100%, 101%। ओके। और अंकित बाबू ने तो वही बीच बीच में हंसाने के लिए, बाबा तो तो बाबा तो मैं सोच रहा हूँ बाबा को पकड़ के लाता हूँ लाइफ पे, अब मैं लेके आता हाँ हूँ, बामने जिम से बाहर निकल गया तो आएगा ना, जिम में रहता है वो सब। एक्चुअल में जिम बाबू के पावने तो नहीं आएगा, वो जिम करते करते लाइव रहेगा, जिम करते करते। करते लाइव आएगा। ओके थैंक्स अनिकेत, बहुत ओके मजा ओके आया, होप सेम ईयर, सेम ईयर ब्रो, सी यू व्यूअर्स को भी नेक्स्ट। आया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टे होम स्टे सेफ गाइस, एंड थैंक्स, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय, बाय। सी यू।